दोस्तों आप पिक्चर करो, आप कैट का प्रिपरेशन आपने बहुत अच्छे से किया, आपने कैट का एग्ज़ाम दे दिया, आपने ग्रेजुएशन में भी मान लीजिए आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हो जहाँ पे हाईएस्ट परसेंट ही 80% होता है, बहुत खींच तान के 75%, और आपका उसमें 65-70% आया, अब आपका 99.6% आ गया, बहुत बढ़िया। इसके बावजूद भी अगर आपका 10-12 में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं, 80% भी है, तो भी हो सकता है आपका बहुत सारे बी स्कूल से कॉल नहीं आएगा। किससे कॉल नहीं आएगा? अहमदाबाद से मुश्किल आना, बैंगलोर से मुश्किल आना, शायद लखनऊ से आ जाए, कोई कोर इंदौर से भी फिर मुश्किल है। वर्क एक्स नहीं है, 10-12 में 80% मार्क्स है, कॉलेज में 70% मार्क्स है, तो उसके बाद भी आपका बहुत परसेंटाइल भी आ गया कैट में, तो भी आई एम कलकत्ता के अलावा बाकी आई एम्स में एडमिशन मुश्किल है। तो क्या आई एम्स आपको फूल कर रहे हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कि आई एम्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया ऐसा कैसा है और क्यों है, और कैसे आप अपना टॉप बी स्कूल में एडमिशन ले सकते हो। दोस्तों सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये सारे मिथ्स है कि अगर आपका फ्रेशर हो तो एडमिशन नहीं होगा, 10-12 में कम है तो एडमिशन नहीं होगा। कोई भी आईएम का, हर बी स्कूल का एक एडमिशन क्राइटेरिया होता है, वैसे आईएम्स का भी एक एडमिशन क्राइटेरिया होता है, और आईएम्स के एडमिशन क्राइटेरिया में कैट के परसेंटाइल का 40-50% तो वेटेज रहता है, कहीं कहीं ज़्यादा रहता है, कहीं कम रहता है, पर 50% वेटेज मान लो कॉल में रहता है, बाकी 50% आपके 10-12 के मार्क्स, कॉलेज के मार्क्स, जेंडर डाइवर्सिटी का मतलब अगर आप लड़का हो कि लड़की हो, लड़कियों को प्रेफरेंस दिया जाता है, एकेडमिक डाइवर्सिटी अगर आप बीबीए बीकॉम इको हो इनको प्रेफरेंस दिया जाता है, वर्क एक्स के लिए भी 5-10% मार्क्स रहता है। तो अगर आपका वर्क एक्स नहीं है तो आपका 10-12 कॉलेज में मार्क्स अच्छा है, कैट में अच्छा आया है, जेंडर डाइवर्सिटी है, एकेडमिक डाइवर्सिटी है, तो आपको बी ए एल आई के से कॉल्स आ जाएंगे। आई एम कोई कोर का कॉल्स तो 98% में भी मैंने देखा है कि अगर आपका बहुत अच्छा प्रोफाइल है, डाइवर्सिटी है, तो आता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका वर्क एक्स है पर ये सब चीज़ ख़राब है तो सिर्फ वर्क एक्स के पॉइंट्स मिलेंगे, और फिर आप कितना भी परसेंटाइल ले आओ, फॉर एग्जांपल अगर आप 10-12 में 80% से कम है, कॉलेज में भी 70% से कम है, जनरल कैटेगरी है, तो वर्क एक्स भी आप ले लो, कैट में अच्छा भी ले आओ, तो अहमदाबाद बैंगलोर में एडमिशन बहुत मुश्किल है। ए बी में एडमिशन्स बहुत प्रोफाइल को देख के होता है, और कोहिकोर में भी होता है, इंदौर में, इन चार कॉलेज में प्रोफाइल को देख के बहुत एडमिशन होता है। कलकत्ता लखनऊ में थोड़ा कम में भी एडमिशन हो जाता है, यहाँ कैट स्कोर का ज़्यादा वेटेज रहा है हिस्टोरिकली, हर साल एडमिशन क्राइटेरिया भी बदलता है, और हर आईएम्स का दो क्राइटेरिया होता है, एक कॉल आने का क्राइटेरिया, एक कन्वर्जन का क्राइटेरिया, आपको दोनों क्राइटेरिया चेक करना है। आपका जो भी स्ट्रेंथ है, 10-12 तो आपके मार्क्स आ गए, कॉलेज के मार्क्स आ गए, वर्क एक्स भी जो आपका कर भी रहे हो, तो जनरली कब तक का वर्क एक्स लिया जाता है? 31 अगस्त का मैंने देखा है वर्क एक्स लिया जाता है। जैसे कि अगर आप नेक्स्ट ईयर मतलब नवंबर में कैट का एग्जाम दोगे अभी, तो 31 अगस्त तक का वर्क एक्स कैलकुलेट होगा कॉल के लिए, तो आप एक बार पूरा कैलकुलेट कर लो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, फिर बी स्कूल्स टारगेट कर लो। एक और इस वीडियो का मीनिंग ये भी है कि अगर आपका पुराने पाप हैं तो आपका इन चार आई एम्स नहीं हो रहा है, तो भी कलकत्ता लखनऊ है और बाकी और कॉलेजेस है जिसमें आप एम कर सकते हो, एक्सेल राई है, एफएमएस है, इन सब में उतना प्रीवियस प्रोफाइल का उतना वेटेज नहीं है। हालांकि जैट में भी मुझे जितना पता है कि 65% एक्सेल राई में जैट स्कोर को वेटेज देते हैं, तो 35% बाकी का वेटेज हो रहा है। बट आपको पहले जाना जरूरी है कि यार आपको कौन से बी स्कूल्स कॉल करेंगे, क्योंकि बाद में लोग ना बहुत हताश हो जाते हैं और बहुत गालियाँ देने लगते हैं गवर्नमेंट को, पर गवर्नमेंट ने तो अपना क्राइटेरिया पहले ही निकाल रखा है। सो यू शुड टारगेट बी स्कूल्स इन अ वाइज वे। सबसे पहला इस वीडियो का मैं कुछ मिथ्स बर्स्ट करूंगा। नंबर वन, कैन अ फ्रेशर नॉट गेट टू आईएम? नो, इफ अ फ्रेशर हैज गुड 10-12 कॉलेज मार्क्स एंड और एक्स्ट्रा करिकुलर भी इंटरव्यू में चेक होगा, एक्स्ट्रा करिकुलर को कॉल और कॉल में नहीं देखते, कन्वर्जन में भी नहीं देखते, उससे इंटरव्यू में आपका क्रैक होगा। तो अगर आपका 10-12 कॉलेज मार्क्स अच्छा है और आपका कैट स्कोर मार्क्स अच्छा है, आपको जो एकेडमिक डाइवर्सिटी है, जेंडर डाइवर्सिटी है, तो आपका बिना वर्क एक्स के भी कॉल्स आ जाएंगे टॉप आईएम से। अगर आपका कैट स्कोर कम है तो भी आपका बाकी सब अच्छा है, वर्क एक्स के भी पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो भी आपके कॉल आ जाएंगे। कैट स्कोर अच्छा है, बाकी सब गुल है, तो फिर वर्क एक्स भी ले लो, तो बाकी में के भी बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो कॉल आना मुश्किल होगा। ऐसा क्यों है? अगर आप पूछोगे कि 10-12 के मार्क्स को इतना, कॉलेज के मार्क्स को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है, मैंने कई बार बताया कि जो बेस्ट प्लेसमेंट्स मिलते हैं आईएम्स में, समर प्लेसमेंट्स में ही पीपीओ के थ्रू मिल जाते हैं। 30-35% लोगों को टॉप प्लेसमेंट्स समर प्लेसमेंट में प्री प्लेसमेंट ऑफर के थ्रू मिलता है। क्या होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर? आप कॉलेज में जाते हो, उसके बाद आपका समर प्लेसमेंट होता है, और उसके बाद आप इंटर्नशिप में परफॉर्म करते हो, तो ही आपको प्लेसमेंट मिल जाता है। तो इससे क्या पता पड़ा, कंपनीज़ को ज़्यादा आपके एमबीए के मार्क्स से मतलब नहीं है, तो उनको चाहिए बच्चे जो अच्छे हैं और हम उनको ट्रेन करेंगे। तो कॉलेज भी, एमबीए कॉलेज की बात जानती है, इसलिए उनको बच्चे अच्छे चाहिए जो अच्छे मैनेजर बन सके, और उनको लगता है कि जो बचपन से अच्छा परफॉर्म किया है 10-12 कॉलेज, वो एक कॉरपोरेट दायरे में रूल रेगुलेशन के साथ एक हायरार्की में अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। ये मेरा लॉजिक है, मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। मैंने काफ़ी प्रोफेसर से भी बात किया, उन्होंने भी बताया है, कंपनी इतना मेहनत करके अपना कोई इंट्रेंस एग्जाम तो नहीं निकालती, बहुत लोगों का एक टेस्ट होता है, तो टेस्ट होता है, पर उसके अलावा भी ये सब चीज़ों पे कंपनी बैंक करती है, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। दूसरी चीज़, आप जनरल कैटेगरी का देखोगे आईएम्स के कट ऑफ कैट के 90 लिख दिया है, तो इसीलिए 90 लिख दिया है, तो हो सकता है जनरल में 95% का भी कॉल आया और आपका 99.8% भी कॉल नहीं आया अहमदाबाद का,
90 इज अ क्वालिफाइंग कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ भी होगा, लेकिन भैया उसके बाद तो आपका जो क्राइटेरिया है वो देखना जरूरी है। हर आईएम का चेक करना मुश्किल होता है, पर आप चेक कर लो, ये बहुत जरूरी है। शुरू में जब प्रेशर कम है मॉक टेस्ट का, तो ये सब चीज़ करना बहुत जरूरी है। अब जनरली कितने परसेंटाइल में, अगर आपका डिसेंट मान लो 85% रहा है, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, कितने परसेंटाइल में मैंने कन्वर्ट कॉल आते देखा है। अहमदाबाद बैंगलोर के बारे में कमेंट नहीं करूंगा, इनका बहुत वेरिड है, इनका प्रोफाइल का बहुत वेरिएज होता है। कलकत्ता में सबसे ज़्यादा परसेंटाइल देखा गया, तो 99.6% के आसपास आईएम कलकत्ता का कॉल आता है जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए 95 के आसपास कॉल आता है, सबके लिए आप 5% कम कर दो। एससी के लिए 90, एसटी के लिए 85-80, ठीक है। लखनऊ के लिए भी 98-99% चाहिए कॉल्स के लिए, और 98.5 के ऊपर चाहिए बेसिकली। 99% के आसपास देखा गया, जो जनरली देखा गया, अगर आपका डिसेंट प्रोफाइल है। इंदौर कोईकोर फिर आपको 97 में भी कॉल देता है, 96 में भी कॉल देता है, 99 में भी कॉल देता है, पर प्रोफाइल का बहुत वेटेज रहा है हिस्टोरिकली। बाकी न्यू आईएम्स में कैट स्कोर का ज़्यादा वेटेज है कॉल के लिए। बेबी आईएम्स में भी अगर आपका 90% के ऊपर आया तो भी कॉल्स आए हैं, तो बेबी आईएम्स में डिपेंडिंग ऑफ ऑन स्पेसिफिक बेबी आईएम्स, यू नो, आपके प्रोफाइल के हिसाब से कॉल्स मिलता है। पर न्यू आईएम सबसे अच्छा बैट है अगर आपका प्रोफाइल थोड़ा ख़राब है, लेकिन आपको 97-98% आ रहा है, तो न्यू आईएम से कॉल्स तो आ ही जाएंगे। तो न्यू आईएम से एक सेफ बैट हो गया 2012 के बाद। इसके अलावा सेक्शनल कट ऑफ भी है, हर आईएम्स में सेक्शनल कट ऑफ होता है, तो सेक्शनल कट ऑफ भी आपको देखना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है या LRDI स्ट्रॉन्ग है तो आप एक सेक्शन मैथ्स को वीक रखो, रहने दो। सब सेक्शनल स्कोर्स आपको आईएम्स के लिए ज़रूरी, और हाई सेक्शनल कट ऑफ होता है। अब अगर स्पेसिफिक क्राइटेरिया की बात करें, 10-12 में हर आईएम को वेटेज है। आईएम लखनऊ का एक साल मैंने देखा था 10 क्लास का वेटेज नहीं था, पर 10-12 का वेटेज है, तो 10 एंड 12 स्कोर्स मैटर। अगर आप 10 या 12th में हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो या जान लो 10-12 स्कोर्स मैटर फॉर आईएम्स। कैट परसेंटाइल के पॉइंट परसेंटाइल के मेहनत से ज़्यादा 10-12 का मार्क्स बहुत मैटर करता है कन्वर्जन और कॉल में। ये मार्क्स कैसे देते हैं डिस्कस कर लेते हैं। अहमदाबाद और जनरली बहुत आईएम्स के स्लैब्स होते हैं। अहमदाबाद का कैसा स्लैब होता है, जनरली अगर आपका 90 से अबव आया 10th में और 12th में, तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। अगर आपका मतलब 10 टोटल 10 आउट ऑफ 10 इस पैरामीटर में 10 आउट ऑफ 10 मिल जाएगा। 80-90 आया तो 8 मार्क्स मिलेगा, 2 आउट ऑफ 10 आप खो रहे हो। 70-80 आया तो 5 मार्क्स मिलेगा, तो इतना फर्क पड़ जाता है। जनरली क्या देखा गया कि अगर आप 3 में 10 12 कॉलेज में 3 में 2 में आपका अच्छा है, मतलब अच्छा मतलब 80-85 से ऊपर है, तो आपके आईएम्स के कॉल्स के चांसेस हैं ओल्ड आईएम्स। जेंडर डाइवर्सिटी का बदल नहीं सकते हो, एकेडमिक डाइवर्सिटी का आप कुछ कर नहीं सकते हो अगर आप ग्रेजुएशन में आई गए हो। जेंडर डाइवर्सिटी में कितना रोल है, आईएम रोहतक में देखा गया 2024 में 78% गर्ल्स थे लास्ट ईयर, इस साल इस बार 95% गर्ल्स। तो आप देखो कॉलेजेस चाहते हैं कि ज़्यादा लड़कियाँ रहें, तो इसका आप कुछ कर नहीं सकते हो। जो क्राइटेरिया बना दिया इसका आप नहीं कर सकते हो। आप कंप्लेन कर सकते हो, एक दिन कर लो, दो दिन कर लो, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको देखना कि आपका जो प्रोफाइल है उससे आप कौन से कॉलेज के क्राइटेरिया में मीट कर रहे हो, और आपका जो परसेंटेज आने वाला है उसके हिसाब से आप सब कॉलेज के क्राइटेरिया देख लो, ताकि लास्ट में जाके आप उनके इंटरव्यूज मिस ना करो, उनके इंटरव्यू अच्छे से दो। आईएम काशीपुर का भी 60% से ऊपर गर्ल्स रहा है इस साल, ऐसा लोग बोल रहे हैं। आईएम रोहतक का बता दूँ 434 फीमेल को एडमिशन दिया है जनरल कैटेगरी में फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, 19 मेल कैंडिडेट्स, मतलब 90% से भी ज़्यादा। तो आप कुछ कर नहीं सकते हो इसमें, मतलब आप क्या कर सकते हो, ये सब आईएम्स को अलग रख सकते हो। अब आप लड़के हो तो रोहतक मुश्किल है, तो रोहतक में एडमिशन नहीं हुआ तो हताश नहीं हो रहा है, बस ये उद्देश्य है मेरा बोलने का। आप बोलोगे क्यों लड़कियों को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, अरे कॉर्पोरेट्स भी लड़कियों को ज़्यादा खोजते हैं, क्योंकि उनको भी अपना एक डाइवर्सिटी मेंटेन करना होता है कंपनीज़ में। मेरे टाइम पे लड़कियां, मेरे बैच में भी कम था, मैंने बहुत बार देखा है लड़कियां बहुत कम होती थी। HR ना करो तो MBA कॉलेजेस में, MBA BM बैचेस में लड़कियां कम होती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। 90% आप कंप्लेन कर सकते हो, यू कांट डू, यू हैव टू टेक एडमिशन इन अ कॉलेज नो। तो ये है वर्केक्स, आप 2-2.5 साल का ले लो, आपको वर्केक्स के पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो कुछ पॉइंट्स आपके मेकअप हो जाएंगे, तो एक स्वीट स्पॉट होता है कॉल और कन्वर्जन के लिए। लेकिन अगर आपका स्कोर अच्छा है बहुत, तो आप उसको मेकअप कर सकते हो, और कैट स्कोर का हर साल गारंटी नहीं होता। अब आप बोलोगे फिर कैट स्कोर में इतना वेटेज क्यों देते हैं लोग, इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, क्योंकि इसी को आप चेंज कर सकते हो। जब आप 2nd-3rd ईयर में कैट का प्रिपरेशन करोगे, तो आप 10-12 मार्क्स को चेंज नहीं कर सकते। ग्रेजुएशन मार्क्स के भी कुछ सेमेस्टर बचते हैं, जेंडर डाइवर्सिटी चेंज नहीं कर सकते, एकेडमिक डाइवर्सिटी चेंज नहीं कर सकते, चेंज क्या कर सकते हो कैट स्कोर। इसलिए कैट स्कोर को वेटेज दिया जाता है। एक और चीज़ बोलूँगा, जो लोग इन चीज़ों से खफा है, तो आजकल बहुत स्कूल्स हैं जो आपके मतलब अगर आपको कैट स्कोर नहीं चाहिए तो GMAT स्कोर पे एडमिशन देते हैं। कुछ कॉलेजेस प्रोफाइल पे एडमिशन देते हैं, बिटसॉम है, SPGN का प्रोफाइल हमेशा रहते रहा है प्रोफाइल कॉल्स। अगर आपको सिर्फ कैट स्कोर वेटेज करना है, FMS बहुत अच्छा कॉलेज है जो कैट स्कोर के वेटेज से बहुत एडमिशन देता है, तो FMS का मीडियम कैट स्कोर बहुत हाई रहता है, तो आपको ये सब कॉलेज टारगेट करने होंगे। और फिर अपने माइंड को बोलना होगा कि यार FMS इज़ एज गुड एज IIM, तो मेरा IIM अहमदाबाद नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने 10 में कमाया, तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ। इट्स जस्ट लक, इट्स जस्ट सम क्राइटेरिया दैट आई डू नॉट फिट इन। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।